प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ के पास एक रात रुकेंगे। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में पीएम के स्वागत की जोरदार तैयारियां हैं। देखिए आज तक संवाददाता मंजीत नेगी की ये रिपोर्ट। इस वक्त चीन सीमा के सीमांत गांव माणा में मौजूद हैं और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है बद्रीनाथ में, माणा गांव में वो लोगों को संबोधित करेंगे। काफी तैयारियां यहां पर चल रही हैं। दो खास लोग माणा गांव के हमारे साथ मौजूद हैं, नरेंद्र सिंह बड़वाल और पीताम्बर सिंह मोलपा जो कि ग्राम प्रधान हैं। नरेंद्र सिंह बड़वाल एसपीजी में काम कर चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं। आप एसपीजी में आपने काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माणा गांव में आ रहे हैं, क्या उनसे उम्मीद आप कर रहे हैं, उनसे आप मिलेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है पूरे माणा गांववासी जो है बहुत उत्सुक हैं कि यहां पर आ रहे हैं और उनके संबोधन को सुनने के लिए लालायित हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री जी जो हैं यहां पर वाइब्रेंट विलेज का जो यहां पर जो वो करने जा रहे हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं, इससे तो सभी जितने भी सीमांत गांव हैं भारत के उनको जो फायदा होने वाला है उसमें हमारा गांव भी, और हम इसे अपना सौभाग्य समझते हैं कि इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे माणा गांव को चुना है। हम उनके लिए बहुत बहुत जो है उनको धन्यवाद करते हैं इसके लिए, और पूरे कल गांववासी जाने को तैयार हैं उनके संबोधन को सुनने के लिए, जनसभा में जाने को। आप एसपीजी में रहे हैं, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कोई मौका आपको मिला हो? हाँ बिल्कुल मिला था। जब मैं एसपीजी में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सुरक्षा में था तो तब श्री हैवी मशीनरी यहाँ पर पहुंचाई गई जिससे ये सब कुछ वहाँ पर जितना कार्य अभी आप देख रहे हैं ये हुआ है। और ये जो मोदी के नेतृत्व में यहाँ पर पुनर्निर्माण का काम चला और लगातार यहाँ पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में मौजूद हैं। रुद्राभिषेक उन्होंने किया, पूजा अर्चना करने के बाद अब वो वहाँ मौजूद लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए, उनके साथ तस्वीर खिंचाते हुए नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज ही बिल्कुल अलग, क्योंकि जब भी वो कहीं भी जाते हैं तो वहां के स्थानीय लोगों से देखिए किस तरीके से बैठ कर बाकायदा उनसे बात करते हुए उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो शख्स थे जिन्होंने 2013 में जो आपदा आई उसके बाद वो समय गुजरात में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यहाँ ऑफर भी किया था, कांग्रेस की सरकार थी उस समय और ये ऑफर भी किया गया था कि यहाँ वो सुधार काम चाहते हैं, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद जब वो 2014 में जीते तो यहाँ पहुंचे और उसके बाद ये तय हुआ कि जो रौनक खोई है आपदा में उस रौनक को वापस लेकर आएंगे, और आज प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे हैं तो कुछ वही रौनक नजर भी आ रही है।